भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र बज्जू के पास एक सफेद कबूतर मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध कबूतर की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी को भी सूचित किया गया। सफेद कबूतर के पंख लाल रंग से रंगे हुए हैं, ऐसे में पुलिस को शक है कि कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए उड़ाया जा सकता है। फिलहाल मामले की जाँच के लिए कबूतर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जा चुका है। दरअसल भारत पाक बॉर्डर पर बज्जू के भूरासर गांव में एक कबूतर देखा गया। सफेद रंग के इस कबूतर के पंख लाल रंग से रंगे नजर आए, ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने इस कबूतर को पकड़ लिया। देखने पर पता चला कि उसके पंखों को लाल रंग से रंगा गया है और उस पर एक मोहर भी लगी हुई है। कबूतर पर अंग्रेजी और गणित से कुछ अंकित किया गया था, ये जासूसी भाषा हो सकती है। ऐसे में इस मामले को अब सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने से पहले कबूतर को बज्जू थाने में कैद कर रखा गया। आपको बता दें, बज्जू से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के बज्जू थाना क्षेत्र के भूरासर गांव में ये कबूतर सवाई सिंह राजपूत के घर आकर गिरा था। सीआई भूप सिंह ने बताया कि रविवार देर शाम मिले इस कबूतर के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी गई थी। आपको बता दें, बीकानेर के बज्जू और खाजूवाला एरिया में पहले भी कबूतर पकड़े जाते रहे हैं। इन कबूतरों के शरीर में कहीं न कहीं कैमरा तक फिट कर दिया जाता है। इसी शक के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं। कबूतर पर एक मोहर भी लगी हुई है, जिस पर कुछ नंबर और अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए हैं। इस कारण कबूतर पालतू होने की आशंका भी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।